वेलकम दोस्तों। जैसा कि भी इससे पहले वीडियो हमने बनाया जर्नल स्टडी का, अब दूसरा वाला है इसमें उसी के जस्ट आगे है। उसमें 30 क्वेश्चन थे, इसमें हमारे 25 क्वेश्चन है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन और 30 मिलाकर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसको बड़े ही ध्यान से नोट कर रहे हैं। आपको नोट भी कर लीजिएगा कहीं, तो आइए देखते हैं। ये हमारा सारा जो क्वेश्चन जो रहा है खंड शिक्षा अधिकारी जो कि बीएड वाले इसके लिए पात्र होते हैं। तो भारत में प्रथम क्या क्या हुआ था उसमें जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन को बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप लोग इसको जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत में राज्यपालों को नियुक्ति की गई होगी, तो उसमें जो सबसे पहले महिला राज्यपाल बनाया गया था तो उसका नाम था क्या, माउंटबेटन थी जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, कभी कभी ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो के एम करियप्पा जी थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो बता दूं ये थे राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर याद रखिएगा आईसीएस, ठीक है, आईसीएस कभी कभी पूछा जाता है। भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अब देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जहां मुखर्जी बनर्जी ये सब लगता है तो वो ज्यादातर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल के लोग ही ज्यादातर होते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम भारत रत्न से सम्मानित, तो भारत रत्न जो है वो कई लोगों को दिया गया था उस समय, तो उनमें से कुछ नाम यहाँ में लिखे हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनमें, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे, और तीसरे थे सीवी रमन जी थे। और सीवी रमन को आप जानते हैं इनको साइंस के फील्ड में दिया गया था, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि भारत के प्रथम भारत रत्न से विभूषित विदेशी कौन था, विदेशी था जिसको भारत रत्न दिया गया, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, बड़ा ही अच्छा नाम, ये है जी शंकर कुरु थे, राइट। अगला है भारत के प्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाला सफल व्यक्ति, हृदय प्रत्यारोपण करना बहुत बड़ी बात होती है मेडिकल के फील्ड में, तो हृदय प्रत्यारोपण करने वाला जो पहला सबसे सफल व्यक्ति था उसका नाम था देवीराम, ठीक है, तो देवीराम जी थे जिन्होंने ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे, इनकी बहुत सारी रिपोर्ट भी आई है शिक्षा के क्षेत्र में, तो जिन्होंने बीएड किया होगा इनके बारे में पढ़ा होगा। रंगनाथ मिश्र की एक जो है समिति थी जिसमें उन्होंने कुछ डिसीजन दिया था एजुकेशन के फील्ड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है अलग अलग फील्ड में मिलता है, तो हिंदी साहित्यकार जो थे हिंदी के फील्ड में मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति के ऊपर बहुत सी सारी अपनी पोयम लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। अब भारत में प्रथम ग्रेमी पुरस्कार विजेता भारतीय कौन था, पंडित रविशंकर प्रसाद जी हैं जिनको आप जानते हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, उनको जो है ये प्रथम ग्रेमी पुरस्कार मिला था। तो ये 14 क्वेश्चन इधर हो गए, आगे का क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है, देखें कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग होता है ठीक है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी होता है, तो वो कौन थे, पहले के सी नियोगी जी थे।
अगला क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला सांसद, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस सारे एग्जाम में टीचर्स की भर्ती हो गई या फिर हमारा जो है बीओ है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का है, तो इसलिए ये हमारा प्री है, प्री में जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है कौन थी, सुश्री राधाबाई सुबा रायन, ठीक है, सुश्री राधाबाई सुबा रायन जी थी जो पहली महिला सांसद थी भारत की। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम फिल्म अभिनेत्री, भारत की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, देवी की रानी, देवी की रानी जी थी जो सबसे पहले आप लोग कहते हैं इनको हीरोइन, ठीक है, तो ये अभिनेत्री थी तो इनका नाम था देवी की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री जो थी महिला मुख्यमंत्री वो सुचेता कृपलानी थी और ये कौन से स्टेट की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी बनाई गई थी मुख्यमंत्री जो प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश, देखिए भाई ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है और पूछा गया बार बार, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो है महिला न्यायाधीश थी वो साहिब फातिमा बीबी थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है, इतना बड़ा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, यानी इससे आप याद कर लीजिए, कोई भी वर्ड आपको याद हो गया इसमें से तो आप जो है उसको ऑप्शन में रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ते हैं कि भारत की प्रथम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी, ठीक है, कि भारत की प्रथम एशियाई खेलों में, प्रथम एशियाई खेलों में जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था, कमलजीत सिंधु थे, कमलजीत सिंधु ये जो है इन्होंने जीता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 की भारत का सबसे बड़ा अजायब घर, अजायब घर किसको बोलते हैं, म्यूजियम को, म्यूजियम क्या होता है कि म्यूजियम में बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज की चीजें होती हैं जो रखी जाती हैं, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर का और कुछ लोगों का म्यूजियम में मोम का पुतला बनाया गया वो रखा जाता है, तो वो म्यूजियम होता है जहाँ पे रखा जाता है, तो सबसे बड़ा जो है म्यूजियम कहाँ है भारत का, वो है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है। अब अगला है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा भारत में, तो वो हमारा है सुंदरबन डेल्टा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी भारत की, वो है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में, और हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जामा मस्जिद और आगरा का किला है, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कुछ लोगों ने इसको इसको जो है फॉर्मेशन किया हुआ था तो वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वैसे मैं बता दूं एक कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में पड़ता है और इसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन, इसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन, तो जूलॉजिकल जो गार्डन है इस जो है चिड़ियाघर का नाम है और ये कहाँ पर पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। आखिरी क्वेश्चन आज का कि भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है, वुलर झील, वुलर झील जो कि कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील है और यहाँ इस झील में बहुत सारी मूवीज वगैरह जो है बनाई जाती है, वहाँ का सीनरी लिया जाता है, तो बहुत बड़ी अच्छी झील है और सबसे बड़ी झील है इंडिया की, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के आज ने जो है इससे पहले 30 क्वेश्चन किया और 25 किया, तो 30 और 25 मिलाकर के हमारा हो गया कितना, 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन में मान के चलिए कि आपका जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इसलिए आप इस एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छे से रहिए, ठीक है, और भी वीडियोस और आपको इसकी चीजें मिलेंगी उसको जो है आगे वीडियो में दिखाया जाएगा, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।